नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया रेसिपी, वेज रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मिक्स्ड दाल पालक बनाऊंगी, मसालेदार होगा। तो उसमें इसके लिए चाहिए प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक और कटा हुआ पालक। और मैं दाल इसको उबालने के लिए रख दिया है कि जब उबल जाएगा तो इसके साथ मैं मिक्स कर दूंगी। पहले वो पालक को पहले फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने जो बघार है, मैंने जीरा, मेथी, अजवाइन और सरसों ये सब डाल के मैं तेल में दे दिया है। अभी मैं ये और दे दूंगी। और इसके लिए जो ड्राई स्पाइसेस के लिए ये है, पहले देंगे नमक, उसके बाद देंगे हल्दी, इसमें देंगे मिर्ची, और इसमें देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। इसको हाई में अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। अच्छी तरह से टमाटर लहसुन अच्छी तरह से फ्राई होने तक इसको फ्राई कीजिए। ये फ्राई होने के लिए 10 मिनट तो लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये अच्छी तरह से भून गया है, एकदम फ्राई हो गया है, तेल निकल गया इसका, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें ये कटा हुआ पालक को मैं अच्छी तरह से काट लिया, काट के उसको रनिंग वाटर में अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। अभी इसमें डाल देंगे। अभी इसको पालक को थोड़ी देर पकने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआ, आपकी ब्लेसिंग्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। आपको जो रेसिपी देखना है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मैं दिखाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। आप सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अभी ये पालक से अभी पानी निकल रहा है। ये पालक ना थोड़ा हाई में करिएगा तो ये जल्दी भून जाएगा, क्योंकि पालक में बहुत पानी रहती है, सूखने में थोड़ा टाइम लेता है।
एक सिंपल सा वेज रेसिपी है, आप इस पराठे के साथ स्टीम्ड राइस के साथ खा सकते हैं। सब जानते हैं मूंग पालक बनती है, और अरहर दाल की मैं पालक दाल की भी बनाते हैं, पर मैंने एक मिक्स्ड दाल पालक बना रही हूँ। आप भी घर पे बनाएं, टेस्ट करें कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए पालक पूरी तरह पक चुकी है। अभी मैं ये जो मेरा मिक्स दाल जो बन रहा है, अभी मैं यहाँ का गैस बंद कर दूंगी और ये मिक्स दाल में दे दूंगी और इसको पकने दूंगी। अच्छी तरह से उसको हिला दें और थोड़ा पकने दें। इसको स्लो आंच में पकने दें। ये और 5-10 मिनट पकेगा। पकने के बाद गैस बंद करके थोड़ा स्टैंडिंग टाइम देके उसके बाद सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दाल बनके तैयार है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद करके ऐसे ही 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद ये खाने का लायक हो जाएगा। ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द पहुँच जाए। आपको ब्लेसिंग्स आपकी दुआओं के साथ। थैंक यू।